देखिए घर बनाने के लिए कैसी कैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं दुनिया के कई बड़े देश, लेकिन ना जाने भारत के इंजीनियर्स को कब होश आएगा, कब भारत सरकार को होश आया कि वो इन फॉरेन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को अपने देश में इस्तेमाल करवाने के लिए आगे आए। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे कि घर बनाने में कई महीने और कुछ मामले में तो कई साल का वक्त लग जाता है, जिंदगी भर की पाई पाई लग जाती है। ऐसे में आज ऑर्डर करें और कल आपका घर रहने के लिए तैयार हो जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है, भारत में नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन अमेरिका में है, क्योंकि अमेरिका की कंपनी कमाल कर रही है और 24 घंटे से भी कम वक्त में कस्टमर के ऑर्डर पर उन्हें पसंदीदा घर बनाकर डिलीवर कर रही है। ये कमाल है 3D प्रिंटिंग का। अब ये कौन सी तकनीक है, ये तो हम आपको डिटेल में बताएंगे, साथ ही घर बनाने की और भी कई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिंचल स्ट्रक्चर वॉलिंग एक परमानेंट फ्रेमवर्क सिस्टम है जिसे कंक्रीट से भरा जाता है, फिर वो एक ठोस दीवार बन जाती है। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ दीवार खड़ी करने के लिए किसी भी तरह की ईंट या पिलर की जरूरत नहीं होती, बस इस स्ट्रक्चर फॉर्मवर्क को घर के आकार और साइज के अकॉर्डिंग खड़ा कर दिया जाता है और फिर इसमें कुछ इस तरह से मिक्स कंक्रीट को भरा जाता है। जब ये सूख कर अपना आकार ले लेता है तो इस फॉर्म को हटा दिया जाता है। इसकी खासियत यह है कि जहाँ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से इमारत को बनाने में समय कम लगता है तो वहीं खर्च भी कम आता है, क्योंकि इन फॉर्मवर्क को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में किसी भी क्रेन या बड़ी बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी को यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी ने मान्यता दी है। दुनिया के कई देश इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बताया जाता है कि डिंचल स्ट्रक्चर से बनी इमारत 9 मैग्नीट्यूड के भूकंप को भी झेल सकती है और इस तकनीक का इस्तेमाल आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 5 गुना तक कम कर सकता है। वाह, फिर तो ये टेक्नोलॉजी भारत में जरूर इस्तेमाल की जानी चाहिए, लेकिन कब आएगी भारत में? पता सबको है, हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमारे इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं ये तो आपको भी पता है। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत में आ जाती है तो भारत का पैसा बचेगा और कंस्ट्रक्शन का समय भी कम होगा। 3D प्रिंटिंग कैसा हो, अगर आप अपनी पसंद का घर का डिजाइन चुने वो केवल 24 घंटे में बनकर तैयार हो जाए। सुनने में बात भले किसी जादू से कम ना लगे, लेकिन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी ऐसा कर रही है। दरअसल 3D होम प्रिंटर एक हाई टेक्नोलॉजी से लैस मशीन होती है। इस मशीन को रोबोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इस मशीन को कंप्यूटर के जरिए जोड़ना होता है, फिर कंप्यूटर पर घर का डिजाइन बनाना और अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद कंप्यूटर से कमांड दिया जाता है। प्रिंट करने से पहले मशीन में मटेरियल्स को फीड करना होता है। 3D होम प्रिंटर का प्रोसेस छोटे छोटे स्लाइस के हजारों टुकड़ों के जरिए इसे पूरा करता है। जब मशीन से प्रिंट किया जाता है तो टुकड़े एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। ये टुकड़े एक साथ जुड़कर एक सॉलिड हिस्से का रूप ले लेती है। इस तकनीक का इस्तेमाल कर बड़े से बड़े कंस्ट्रक्शन के काम को बहुत कम समय में पूरा किया जा सकता है। प्रिंट के समय ही दीवार में पानी और पाइपलाइन इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम पूरा हो जाता है। घर में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग दीवारें, छत, विंडोज को बनाने का काम इस मशीन से बारी बारी किया जाता है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम कर देती है। जी हाँ, 3D प्रिंटिंग से घर बनाने में बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट में 30-50% बचत हो जाती है। टाइम में 50-70% की बचत होती है और लेबर कॉस्ट में कमी। सारा काम मशीन के द्वारा किया जाता है और लेबर कॉस्ट में लगभग 50-80% तक लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। जहाँ तक की सेफ्टी की बात है कि 3D होम प्रिंटर से बने घर पूरी तरह से सेफ माने गए हैं। इसकी वजह होती है कि घर बनाने से पहले उसका नक्शा CAD सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर पर फीड कर दिया जाता है, इसलिए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर में कोई खामी नहीं होती। अभी इसमें और डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन यहाँ भारत में इतने जुगाड़े लोग रहते हैं जो एक हॉलीवुड मूवी के बजट में मंगल तक यान भेज देते हैं, तो भाई हमारे IIT वाले कहाँ हैं? इन्हें काम क्यों नहीं दिया जा रहा है और इस तरह की टेक्नोलॉजी ये क्यों नहीं बना पा रहे हैं?
भारत यहाँ फंडिंग नहीं करता। यहाँ फंडिंग करेगा तो भारत एक डेवलपिंग नेशन है, ना कि एक डेवलप्ड नेशन। भारत में अभी भी कंस्ट्रक्शन लगातार चल रही है, रोडें बन रही है, सड़कें बन रही है, बिल्डिंगें बन रही है, प्लाट बन रहे हैं, रिहायशी इलाके बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये तकनीक हमारे देश में आ गई तो सोचिए कितना पैसा बचेगा जनता का और सरकार का। पैसा सही जगह इस्तेमाल हो सकता है, बिजनेस में इस्तेमाल हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल हो सकता है, शादी ब्याह में परिवार के इस्तेमाल हो सकता है। तो भाइयों, ये टेक्नोलॉजी भारत में लाकर हमारे जुगाड़ू दिमाग वाले वैज्ञानिक, जो आईटीएन, जो लड़के और लड़की हैं, करो ना इसे डेवलप। क्या सोच रहे हो? और इसका फायदा हमारे देशवासियों को भी मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इन सब टेक्नोलॉजी में से कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।